मध्य प्रदेश के जबलपुर आरटीओ कार्यालय में शनिवार को आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी से मारपीट की वारदात सामने आई है। घटना से गुस्साए कर्मचारियों ने काम बंद कर थाने का घेराव कर दिया। वे आरोपी के जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आरटीओ से मारपीट करने वाला आरोपी दलाल है। मंजीत सिंह नाम का दलाल शुक्रवार शाम आरटीओ के कैबिन में जबरन घुस गया और अभद्रता करने लगा। आरटीओ ने समझाने की कोशिश की तो छीना छपटी और मारपीट करने लगा। इस दौरान कर्मचारी एकत्रित हो गए। आरटीओ की शिकायत पर पुलिस ने मंजीत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पिता पुत्र ने चार भूखंड का अनुबंध कर पार्षद से 42 लाख रुपए लिए और किसी दूसरे के नाम पर अनुबंध कर भूखंडों का विक्रय कर दिया। पिता पुत्र द्वारा जालसाजी करते हुए 42 लाख की चपत लगाए, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी पिता पुत्र की तलाश में जुटी हुई है। पार्षद जी जीतू कटारे जो है, उन्होंने 4/2/24 को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की गई है और हमारे द्वारा भी की गई है, जिसमें अपराध पाए जाने से वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से आरोपी मनीष पटेल और कमलेश पटेल, इनके द्वारा जो है एक जमीन प्लाट है जिसमें इनके द्वारा जो है 42 लाख रुपए का इनका लेन देन हुआ है। इन्होंने 2014 में भी 12 लाख रुपए लिए मनीष पटेल ने और 25/7/14 को भी जो है 7 लाख रुपए और 21/10/14 को भी 23 लाख रुपए, कुल 42 लाख रुपए जो इन्होंने एक प्लाट के बेचने को लेकर के एग्रीमेंट कराया गया था। अब वो प्लाट जो है नहीं है और रजिस्ट्री नहीं हो पाई है उसमें, और रजिस्ट्री नहीं होने के कारण ने शिकायत की है। शिकायत पर से जो है अपराध का पाए जाने से हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए हैं। आरोपी जो है अभी फिर जो है फरार है। सर, ये आरोपी कौन है, कहाँ रहते हैं? ये मनीष पटेल हैं, ये गंगानगर में रहते हैं। मनीष पटेल और कमलेश पटेल भूकंप कॉलोनी के पीछे रहते हैं। पुलिस लगातार तलाश कर रही है और विवेचना जा रही है। इनका काम क्या है, मनीष पटेल? और मनीष पटेल जो है, ये पहले भी इनके विरुद्ध जो है काफ़ी प्रकरण पंजीबद्ध है और ये प्रॉपर्टी का काम करता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। किसी का प्लाट दिखाना और उसको बेच लेना, उसमें एग्रीमेंट करके पैसे ले लेना, इस टाइप से फ्रॉड करता है। कई अपराध है इनके विरुद्ध। तो ये जो अपराध हुआ, ये किसके साथ हुआ है? ये हुआ है जीतू कटारी के साथ। जीतू कटारी के द्वारा शिकायत आवेदन प्रस्तुत की गई है, उसी में से जाँच पर से कार्रवाई हुई। कहाँ का मामला है ये? है भूकंप कॉलोनी का। भूकंप कॉलोनी के पीछे वहाँ इनका प्लाट है। हाँ, अभी मनीष पटेल और कमलेश पटेल के खिलाफ हमने एक FIR कराई है। वो FIR इसलिए कराई है क्योंकि ये आज के नटवर लाल हैं। आज के नटवर लाल इसलिए मैं इनको कहूँगा क्योंकि इनसे मैं बस एक व्यक्ति नहीं हूँ जो परेशान हूँ। इसमें दर्जनों की संख्या में नहीं है, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जिनसे इनने ये 400 VC का काम किया, फ्रॉड का काम किया। एक प्लॉट को एक व्यक्ति को बेच के फिर इन्होंने चार पाँच व्यक्तियों को बेचने का काम किया है। इन्होंने ज़मीनों में दूसरे खसरे लगाकर बेचने का काम किया है। इन्होंने सड़कें सीलिंग में डालकर वो ज़मीन का उपयोग बेचने के काम में किया है। ऐसे तमाम मामले हैं जो इनके उजागर हुए हैं पहले भी। ये मनीष पटेल महावीर कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, ये पहले प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं, ये बिल्डर हैं, और इनके द्वारा मुझसे ठगी का काम किया गया, जो कि मैं पैसे अपने निरंतर मांग रहा हूँ इनसे, जो आज तक दिनांक तक नहीं दिए गए। इसलिए मजबूरन मुझे एक वर्ष पूर्व जब इनकी FIR कराने में थाने पहुँचा था, तब इन्होंने वहाँ हाथ पैर जोड़कर समझौता नामा कर लिया था और मुझे चेक थमा दिए थे। वो चेक भी इनके नकली थे, इनकी तरह वो चेक भी नकली थे और वो भी बाउंस हुए। और फिर लगातार मेरे एक साल परेशान होने के बाद फिर से थाने में शिकायत देकर FIR कराने का काम किया। जबलपुर की हनुमानताल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस अवैध हथियार जब्त करने की कार्यवाही की है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक चौधरी के कब्जे से पिस्टल एवं कारतूस तथा आरोपी राहुल उर्फ नरेंद्र गोटिया के कब्जे से पिस्टल एवं कारतूस बिक्री के 1,000 रुपये जब्त किए हैं। आरोपियों के विरुद्ध धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए विवेचना में लिया गया है।
जी हाँ, ये आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए श्रीवान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर के मार्गदर्शन में एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध। आज उसी तारतम्य में विगत दिवस क्राइम ब्रांच की टीम व थाना हनुमानताल की टीम द्वारा संयुक्त रूप से दबिश देकर एक आरोपी अभिषेक चौधरी जो सिंधी कैंप का रहने वाला है एक पिस्टल और एक जिंदा राउंड मैगजीन में उसको पकड़ा है उसके सहित। और उसकी बताए अनुसार जब पूछताछ की कि कहाँ से ख़रीदा तो उसने बताया कि राहुल और नरेंद्र गोटिया से खरीदना बताया, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के विरुद्ध 25-27 आर्मसेट के तहत कार्रवाई की गई है। इसी के साथ साथ जिले में थाना रांझी क्षेत्र में भी एक आरोपी सौरभ अहरवार है, उसको भी मुखबिर की सूचना पर एक पिस्टल व एक राउंड जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार किया गया है और आरोपी गणों पर 25-27 आर्मसेट की कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी गढ़ा नीलेश दोहरे को मिली सूचना के अनुसार कच्ची शराब लिए दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच एवं थाना गढ़ा की संयुक्त टीम द्वारा दबिश पर मोटरसाइकिल में डिब्बा लिए दो व्यक्ति खड़े देखे। मोटरसाइकिल चालक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों के पास 2 किलो 205 ग्राम गांजा कीमत लगभग 44,000 रुपये पकड़ा गया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 8-20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त गांजा कहां से और कैसे प्राप्त किया के संबंध में पूछताछ जारी है। अवैध व्यापार में लिप्त हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम साहब के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में क्राइम की टीम व थाना गढ़ा की टीम के द्वारा एक संयुक्त रूप अभियान के अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है, जिसमें मुखबिर के द्वारा इसी सूचना प्राप्त हुई थी कि पुरवा के पास कुछ लोग गांजे की तस्करी में लिप्त थे, वहां पर खड़े हुए हैं कि सूचना पर क्राइम की टीम व थाना गढ़ा की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। इसमें दो लोगों से 2 किलो 205 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। एक आरोपी मिथुन नायक है और दूसरा सोनू वर्मन। मिथुन नायक यूपी का रहने वाला है और सोनू वर्मन पुरवा का रहने वाला है। इसके पहले भी इन्होंने किन किन गतिविधियों में लिप्त रहे उसके संबंध में जानकारी भी ली जा रही है।